नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम है शार्दुल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लाइफ कास्ट में। अगर आप यहां पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है यूके इलेक्शंस के ऊपर। तो भाई और बहनों, जैसे कि आपको पता है, गुरुवार 12 दिसंबर को यूके में इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन। तो इलेक्शंस की बात करने से पहले थोड़े बेसिक्स हम जान लें। दोस्तों, यूके में चलती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब भले ही रानी यहाँ की हेड ऑफ द स्टेट हो, लेकिन सारे लॉज और डिसीजंस यहाँ की पार्लियामेंट लेती है। इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 5 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। जैसे अभी होने वाला है उसे कहते हैं जनरल इलेक्शन, जहाँ पे हम एमपी चुनते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरे टाइप का इलेक्शन होता है लोकल इलेक्शन, जहाँ पे हम हमारा काउंसिलर चुनते हैं जो हमारे लोकल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरे टाइप का इलेक्शन होता है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इलेक्शन, जहाँ पे हम मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट चुनते हैं। यूके के 73 एमईपीज हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, लेकिन अगर ब्रेक्जिट हो गया तो ये सारे चले जाएंगे। चौथे टाइप का इलेक्शन होता है पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर इलेक्शन, जहाँ पे मेंबर ऑफ पब्लिक चुना जाता है जो यहाँ के पुलिस फोर्स या फिर जो चीफ कॉन्स्टेबल होता है इनके साथ काम करे। पांचवी टाइप का इलेक्शन होता है रेफरेंडम, ये कभी कभार होते हैं। एक हुआ था 1973 में जब यूके हिस्सा बना था यूरोपियन यूनियन का, और 41 यानी 41 ईयर्स बाद 2016 में जब रेफरेंडम हुआ तब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर आया था, जिसे हम कहते हैं ब्रेक्जिट। तो दोस्तों, यहाँ की पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे इंडिया में होता है लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे इंडिया में होता है राज्यसभा। तो जब हम एमपी चुनते हैं तो ये हमारा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में होती हैं 650 सीट, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए होती हैं 326 यानी 326 सीट्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं 793 मेंबर्स। फिलहाल 793 मेंबर्स हैं, वैसे इनका कोई फिक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं होती हैं। ये गवर्नमेंट और हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल्स को और जो रूल्स बनाती हैं उनको बहुत बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शंस की बात करें तो अब इलेक्शंस हैं अगले गुरुवार 12 दिसंबर को। इसकी वोटर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है 26 नवंबर यानी 26 नवंबर को लास्ट डेट थी। इस बार अवेयरनेस की वजह से काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया है, करीब 3 मिलियन नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड में मिलाकर। वोटिंग परसेंटेज हम बात करें, कितने परसेंट वोटर्स वोट करते हैं, तो यहाँ पर 2017 में जब पिछली बार इलेक्शंस हुए थे तब 69% वोटिंग हुई थी ऑन एन एवरेज। 12 दिसंबर को जैसे इलेक्शंस है उस दिन कोई छुट्टी नहीं होती। इंडिया में फिर भी छुट्टी मिल जाती है इलेक्शन के दिन, लेकिन यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं मिलती। सुबह 7 से लेके रात के 11 बजे तक पोलिंग बूथ खुले होते हैं, आप कभी भी जाके अपना वोट डाल सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपके घर ऐसे पोल कार्ड आते हैं, इसे कहते हैं पोल कार्ड। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास पोल कार्ड नहीं आया हो फिर भी आप वोट दे सकते हैं। वैसे इस पोल कार्ड पे लिखा होता है आपका एड्रेस, पोलिंग बूथ का एड्रेस, एक मैप और पीछे थोड़े इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये पोल कार्ड यूजुअली 1 महीने पहले आपके घर आ जाता है। इलेक्शन के दिन आपके उंगली पे कोई इंक नहीं लगाता, ना ही कोई यहाँ पर ईवीएम होती है। एक सिंपल बैलेट पेपर पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, जिसको भी आपको वोट देना है वहाँ पे आपको एक क्रॉस मार्क करना है और एक बॉक्स में डाल देना है। इतनी सिंपल प्रोसेस होती है, कोई आईडी कार्ड किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनके पास एक लिस्ट होती है जिसके साथ वो आपका नाम क्रॉस चेक करते हैं और आपको बैलेट पेपर मिल जाता है। बहुत ही ईजी वोटिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये तो थी इलेक्शंस की बात, पर ये इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो मैंने एक छोटा सा एनिमेशन बनाया है, आइए देखते हैं।
तो दोस्तों आइए जानते हैं ब्रेक्जिट की हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर डेविड कैमरन, इनकी और लिबरल डेमोक्रेट्स की कोलिशन गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में रेफरेंडम डेट का प्रॉमिस किया था। इसी तहत उन्होंने 23 जून 2016 डेट फिक्स की रेफरेंडम के लिए। डेविड कैमरन एज अ रिमेनर उन्होंने कैंपेन किया पूरी कैंपेन में, और आखिरकार जब 23 जून रेफरेंडम डे आया तो भारी मात्रा में लोग बाहर निकलकर उन्होंने वोट किया। इसी कारण 72% वोटर टर्नआउट रजिस्टर हुआ। और दूसरे दिन 24 को जब रिजल्ट्स आए तब लीव कैंपेन 52% से जीत गया। इसका मतलब ब्रेक्जिट कंफर्म हो गया। रिजल्ट्स के दिन डेविड कैमरन ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बनी प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जुलाई 2016 में, और आते ही उन्होंने आर्टिकल 50 जो ब्रेक्जिट का स्टार्ट होता है वो ट्रिगर कर दिया। इसके कारण हमें 2 साल के अंदर यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना होगा। पार्लियामेंट में उनके ब्रेक्जिट प्रपोजल पास होते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए, लेकिन वो बाल बाल बच गई क्योंकि इस लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट आया हंग पार्लियामेंट। उन्होंने DUP पार्टी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करी, लेकिन आखिरकार काफ़ी सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद थेरेसा मे ने भी रिज़ाइन कर दिया जुलाई 2019 में इस साल। इसके बाद बने हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। बेचारे बोरिस जॉनसन भी परेशान हो गए और काफ़ी फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में, इसलिए उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये एनिमेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो यूके में करीब 15 से 20 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे टॉप 8 पॉलिटिकल पार्टीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव्स पार्टी की, जिसे यहाँ पे टोरीज भी कहा जाता है। तो इनके लीडर हैं बोरिस जॉनसन, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। बोरिस जॉनसन पहले एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उसके पहले वो लंदन के मेयर भी थे 10 साल, और इसी साल थेरेसा मे के रेजिग्नेशन के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेबर पार्टी। इनके लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन, जो पहले ट्रेड यूनियन में काम कर चुके हैं। यूके में रहने वाली एशियन कम्युनिटी और लेबर पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते में फिलहाल एक दरार पड़ी हुई है, आप वीडियो आगे देखते रहें, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेट्स। इनकी लीडर हैं जो स्विंसन। ये सबसे यंगेस्ट लीडर हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। ये पहले मीडिया और मार्केटिंग कंसल्टेंट रह चुकी हैं, और हाल ही में ये लिबरल डेमोक्रेट की लीडर बनी है। तो इनके बाद नंबर आता है यूकिप का, इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी। इनकी लीडर हैं क्रिस्टन हैरियट। इनके पहले लीडर हुआ करते थे नाइजल फराज, जो अब ब्रेक्जिट पार्टी के लीडर हैं। जब नाइजल फराज यूकिप के लीडर थे तब ये पार्टी बहुत पॉपुलर थी, पर जैसे ही नाइजल फराज ने ये पार्टी छोड़ी और खुद की पार्टी बनाई ब्रेक्जिट पार्टी, तब से यूकिप की पॉपुलैरिटी बहुत कम हुई है। तो ब्रेक्जिट पार्टी की बात करते हैं, जिनके करंट लीडर हैं नाइजल फराज। ये बिजनेस में रह चुके हैं और सिटी ऑफ लंदन में पहले काम कर चुके हैं। रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो एक है स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP, जिनकी लीडर है निकोला स्टर्जन, जो पहले लॉयर रह चुकी हैं। वेल्स जो एक और रीजन है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ की एक पार्टी है प्लाइड कमरी, जिनके लीडर हैं एडम प्राइस, जो पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड की एक पार्टी है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, जो फिलहाल कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट दे रही है और करंटली गवर्नमेंट उनकी भी है। एक और पार्टी है जिसका नाम है ग्रीन पार्टी, जिनके लीडर हैं जॉनथन बार्टली एंड शॉन बेरी। ये हालांकि ये नेशनलिस्ट पार्टी है, लेकिन इनके बहुत कम जगह ये कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। मेंबरशिप की हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस साल,
तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं लेबर पार्टी के, करीब 5,500,000 के करीब। उसके बाद आता है नंबर कंजर्वेटिव्स पार्टी, फिर लिबरल डेमोक्रेट्स और बाकी सारी नेशनल पार्टीज। दोस्तों, यहाँ की मीडिया हाउसेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यहाँ के इलेक्शंस के ऊपर। नेशनल न्यूज़ चैनल जैसे कि बीबीसी, जो इंडिया में जैसे दूरदर्शन है, वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट का चैनल है बीबीसी, जो यहाँ हम लाइसेंस फी देते हैं उसके ऊपर चलता है। वहाँ पे टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती। 3 प्राइवेट चैनल्स हैं, स्काई, चैनल 4 एंड ITV। ये चारों चैनल्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। लेकिन कई सारे अखबार हैं जो कंजर्वेटिव्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सन है, डेली मेल है, टाइम्स है, लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड है, डेली टेलीग्राफ, डेली एक्सप्रेस, ये सारे कंजर्वेटिव्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। डेली मिरर और गार्डियन, ये बड़े न्यूज़पेपर हैं जो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट्स अपनी पब्लिसिटी कैसे करते हैं, इसे यहाँ पर कहते हैं कैनवासिंग। कई तरह से कैनवासिंग होती है। लोग कैंडिडेट्स या इनके सपोर्टर्स घर घर जाकर डोर नॉक करके लोगों से बात करते हैं, उन्हें क्या तकलीफ है, उन पे क्या मुद्दे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। टीवी पे लाइव डिबेट्स होते हैं, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उस डिबेट में शामिल होता है और काफ़ी मनोरंजक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं डिबेट्स। तीसरी टाइप की कैनवासिंग है घर घर जाकर पैम्पलेट्स बांटना। तो हमारे घर भी पैम्पलेट्स आए हुए हैं। ये है लेबर का पैम्पलेट, मिस्टर तैन देसी जो करंट MP हैं, ये उनका पैम्पलेट है। इनमें उन्होंने पिछले 5 सालों में, पिछले 2-3 सालों में क्या काम किया, उनके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये सारा लिखा हुआ है। ये है लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का पैम्पलेट, मिस्टर एरन चहल जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनका ये पैम्पलेट है। और तीसरा पैम्पलेट आया है हमारे पास कंजर्वेटिव्स पार्टी का, यहाँ की कैंडिडेट हैं कंवल तूर गिल। ये कंजर्वेटिव्स पार्टी की, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की कैंडिडेट हैं। इन्होंने कहा लेबर ने से मैनिफेस्टो में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था नहीं कर पाए हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि आप उन्हें वोट दें। तो ऐसे पैम्पलेट्स हर पार्टी घर घर जाके बांटती हैं, ऐसे इनकी पब्लिसिटी होती है। रेडियो स्टेशंस पे जाके इंटरव्यूज़ होते हैं, कैंडिडेट्स रेडियो स्टेशन पे जाते हैं और बताते हैं उनकी लाइफ स्टोरी, उनका मोटिवेशन और उनके क्या मुद्दे उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अगले 5 सालों में। नेशनल टेलीविज़न, जैसे मैंने बताया 4 चैनल हैं यहाँ पे, नेशनल चैनल्स, उनके ऊपर शाम के वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी को 1 घंटा दिया जाता है अपनी अपनी वीडियोस दिखाएं कैंडिडेट्स की पब्लिसिटी करने के लिए। तो स्पेशल फीचर होता है, हर शाम को टीवी पे आता है इलेक्शन के 1 हफ्ता पहले करीब से वो शुरू हो जाते हैं ये फीचर। यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे कोई होर्डिंग्स नहीं लगती, कोई बर्थडे विशेस नहीं देता बड़े बड़े बैनर्स पर, इन सब पे यहाँ पे रोक है। तो ये इलेक्शन 14 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो फिलहाल लोगों के दिमाग में है वो है ब्रेक्जिट। तो हर पार्टी ब्रेक्जिट के लिए क्या करेगी बहुत मायने रखता है। दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है NHS, जो यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस है, उसे लेकर उसमें कितना पैसा और डालना चाहिए, नर्सेस और डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है उसके बारे में क्या प्लान्स हैं। टैक्सेशन, कई पार्टीज़ कहते हैं हम एक टैक्स हटा देंगे, तो दूसरी पार्टी कहती है कि हम फिर अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। एजुकेशन, सोशल केयर, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग, रेल रोड्स, ये सारे मुद्दे, ये 14 मुद्दे हैं करीब करीब, उनके ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। पर जैसे मैंने कहा, ब्रेक्जिट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है इस इलेक्शन में। मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में कहा था, लेबर पार्टी का और इंडियन कम्युनिटी का बहुत गहरा नाता रहा है इन द पास्ट, लेकिन हाल ही में इस रिश्ते में दरार पड़ी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लेबर पार्टी हमेशा ही ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ के इशू पार्लियामेंट में उठाती रही है, चाहे उनके MPs हो या फिर काउंसिलर्स हो।
लेकिन हाल ही में जब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का डिसीजन लिया, तब ताज्जुब की बात है कि लेबर पार्टी ने पाकिस्तान की साइड लेते हुए ये कहा कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है जम्मू कश्मीर में और इंडियन सोल्जर्स की एट्रोसिटीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, ये गलत है और इसी वजह से यूके में बसे हुए हिंदू एसोसिएशंस ने जेरेमी कॉर्बिन को लेटर लिख के अपना विरोध प्रकट किया है और इसी वजह से बहुत नाराज़ी का मूड है सारी इंडियन कम्युनिटी में और हो सकता है उनके सारे वोट्स या फिर लिबरल डेमोक्रेट्स या फिर कंजर्वेटिव्स या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जाए। दोस्तों, मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि हमारे एक मराठी भाई मिस्टर सुशील गायकवाड़ एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वो ग्रीनिच एरिया से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं उनके कैंडिडेचर और उनके वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आप ज़रूर जाके उनके उनकी प्रोफाइल देखें, उनके विचार देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ग्रीनिच में रहते हैं तो आप इनकी इनकी कैंडिडेचर को ज़रूर कंसिडर करें। अगर आप उनका इंटरव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।